का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। पिछले 5 महीने से अनूपपुर नगरपालिका अपने स्थायी मुख्य नगरपालिका अधिकारी के इंतजार में है। शहर में जगह जगह कचरे का ढेर लगा है, यहां तक कि जिला जज के घर के सामने भी कचरे का भंडार है। भुगतान में देरी की वजह से बकायेदारों ने सामग्री देने से इनकार कर दिया है और नगर पालिका को पेट्रोल पंप में डीजल देना बंद कर दिया है। पिछले कई दिनों से कचरा उठाने वाले वाहन लोगों के घर नहीं पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से जगह जगह जिला मुख्यालय की सड़कें डंपिंग यार्ड बन गई हैं। नगर पालिका की लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता की वजह से लोग अब सड़क पर ही कचरा फेंक कर चले जाते हैं। घरों में कचरों का जो ढेर लगाया है, जिससे आम जनता बहुत परेशान है। शहर में कचरे का ढेर लगाने के बाद सफाई देते हुए नगर पालिका का ये कहना है कि शहर में लोग कोरोना की वजह से टैक्स नहीं देते और इसकी वजह से शहर में साफ सफाई नहीं होती। लेकिन सबसे पहले आपको आइए सुनवाते हैं कि जिले के स्थानीय निवासी अनूपपुर की बदहाल व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छा जी, नगर पालिका का काम वो कैसे किस रूप में रहते, क्योंकि कचरा पड़ा हुआ है पूरे लाइन में, वहाँ कचरा इकट्ठा है, जगह है कचरे का डंपिंग यार्ड क्यों बना हुआ है? गाड़ियाँ नहीं आ रही है, सुबह नहीं आ रही। कितने दिनों से बंद है? 3-4 दिनों से नहीं आ रही। क्या कारण है इसका, क्या कुछ पता चल रहा है? नहीं, कुछ जानकारी नहीं लगी। कभी अच्छा उससे पहले रेगुलर आती थी कि कभी कभी आती थी? पहले तो रेगुलर आती थी। अनूपपुर नगर पालिका में पिछले 6 महीने से सीएमओ नहीं है, क्या ये कारण हो सकता है? ये कारण तो हो सकता है। परेशानी नहीं होती आप लोग को? नहीं लगता शहर गंदा है? लग रहा है, बहुत गंदा है सर। आप लोग यहाँ सड़क पे क्यों फेंक देते हो? हम लोग नहीं फेंकते। किसने फेंका? किसी अनजान व्यक्ति ने फेंका, नहीं जानकारी नहीं है। क्यों फेंका आपने? ये सब गंदी फेंकी सर। ये सब फेंके, किसने फेंका यहाँ पे? ये सब ये मोहल्ले पूरे मोहल्ले के लोग। ये कचरा का डंपिंग यार्ड है क्या? है ये कचरा अच्छा लगता है आपको यहाँ सड़क में? बिल्कुल नहीं लगता सर। फिर आपने क्यों फेंका? कहाँ फेंके बताइए, आप ही बताइए ना। क्या समस्या है? कचरे गाड़ी आती है कि नहीं आती? कोई नहीं आती। गाड़ी आती तो पाइप खुद फेंकते, पूछे गाड़ी वाले। सबसे पहले मैं फेंकता हूँ, गाड़ी कोई नहीं आती, महीनों में 2-4 दिन आती है गाड़ी बस। हाँ, कभी नगर पालिका में शिकायत नहीं की इसकी? नगर पालिका सभी करते हैं, हमें हम क्या क्या काम होता है नगर पालिका में शिकायत करने से? कोई काम नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा काम? नहीं होता, होता तो यहाँ तक साफ हो जाता। अधिकारी कर्मचारी नहीं, नगर पालिका सिर्फ ये। हमने एक बार यहाँ पे कचरा डाला, लोग दुनिया डालती थी, वो आपके महिला जो हैं वो आती थी, बोले कि आपने यहाँ पे कचरा हमने सब डाले, कहाँ डाले बताइए आप। बोले नगर सफाई हो, ये नगर सफाई हो, आपके नगर पालिका के बाजू में कचरा रहता है, नगर पालिका के बाजू में कचरा रहता है, दुनिया की तो बात छोड़ दीजिए, नगर पालिका गाड़ी क्यों नहीं आती? अनूपपुर नगर पालिका की जो कचरा संग्रहण की गाड़ी आ रही थी, कितने दिनों से नहीं आ रही, क्या समस्या हो रही है? लगभग 10 दिनों से कचरा गाड़ी आ नहीं रही है। साफ सफाई भी तो आज बहुत दिन बाद झाड़ू लगा है। कचरा गाड़ी नहीं आने से पूरा घर कचरा, मतलब समझ में नहीं आता कचरा समेट के कहाँ रखें। डस्टबिन तो भर गए हैं, डस्टबिन वाले पलट के पन्नियों में भर के रखे हुए हैं, दोबारा डस्टबिन भरने की तैयारी है, पर समझ में नहीं आ रहा कब तक आएगी कचरा गाड़ी, कब डालें। घर का कचरा ही नहीं निकल पा रहा है, बच्चे भी परेशान, हम भी परेशान, वही वही देख के दिमाग खराब होते रहता, कचरा कब जाएगा घर से। तो वही अनूपपुर में बदहाल व्यवस्था को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी, आइए आपको भी सुनाते हैं। हम अनूपपुर नगर पालिका में खड़े हैं। नगर पालिका के जो कर्मचारी हों या अनूपपुर स्वयं, पिछले 6 महीने से पूर्णकालिक सीएमओ का इंतजार कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार हो या यहाँ के जिला प्रतिनिधि, इन्होंने पूर्णकालिक सीएमओ की व्यवस्था नहीं कर पाए। पहले कुछ दिन तक प्रभारी सीएमओ यहाँ का जो थे वो कोतमा के सीएमओ थे, एक्का दुक्का थे, और अभी अभी जतहरी के सीएमओ को दिया गया, वो भी 2 दिन से पिछले नहीं आए हुए हैं। पूरे शहर में गंदगी का अंबार है, लेकिन सीएमओ के न होने से आज अभी 11 बज रहे हैं। नगर पालिका के हालात आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये पहला कमरा है नगर पालिका का जहाँ पे आम लोगों की समग्र स्वच्छता अभियान या अन्य तरह की जानकारियां बनती हैं, वो ताला बंद है, सिर्फ बैनर और पोस्टर पे नगर पालिका का स्वच्छता अभियान चल रहा है। आइए हम दूसरा कमरा दिखाते हैं आपको। ये जो दूसरा कमरा है उसकी स्थिति क्या है, यहाँ पे भी लोगों के बाकी चीजों की जानकारी मिलती है, आगे आधार का पंजीयन केंद्र यहाँ होता है, लेकिन वो भी ताला बंद है। तीसरी बात, हम जो मेन बात कर रहे हैं, पिछले पांच और छह दिनों से जो है अनूपपुर की कचरा गाड़ी जो है वो लोगों के घरों पे नहीं गई, शहर के विभिन्न जगहों पर कचरा यार्ड बना हुआ है। ये गाड़ियां जो है देखिए बिल्कुल पूरी तरह ऐसी खड़ी हुई हैं जैसे इसका कोई माई बाप ना हो। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे, यहाँ पर आइए। स्वच्छता अभियान बोर्डों तक सीमित है, बोर्ड पे जरूर लिखे हैं सारी चीजों को, और हम आइए हम यहाँ बात करते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं जो ये बताएंगे। सीओ साहब कब से नहीं आए? सीओ साहब कब से नहीं आए?
कब कब आते हैं? कितने महीने से परमानेंट स्विमो नहीं है? जुलाई से नहीं है। कुछ परेशानी होती है स्विमो साहब के नहीं होने से? काम आप लोग को पेमेंट मिलता है? चलिए ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इन कमरों की, देखते हैं जो स्थिति आई। ये तो यहाँ तो नेम प्लेट भी नहीं है और ये परमानेंट बंद रहने वाला कमरा है, जो अनूपपुर की जनता को सही जगह दिखाती है कि अनूपपुर की जनता को किस तरीके से फायदे मिलेंगे, क्या क्या होगा। ये एक कमरा है जो वाकई यहाँ पे बना रहता है। हम इन्हीं है कुछ अधिकारी, इन्हीं से बात करेंगे सीधे सीधे। सर, अनूपपुर के सीमो साहब कब से परमानेंट सीमो नहीं है? जुलाई से। विभिन्न विभिन्न कमरों में ताला बंद है, जनता आती है चली जाती है, आप लोग एक कमरे पे बैठे हुए हैं, उन जनता को क्यों जानकारी नहीं मिल पा रही है? अभी तो नहीं जानकारी, मैं तो डीजल की फाइलें लेके आया था तो वही करवा रहा हूँ। कब से कचरा गाड़ी नहीं चली है जिले में? 5-6 दिनों से लोगों के घर पे नहीं पहुंचे, जगह जगह डंपिंग यार्ड बन गया कचरे का। सीएमओ साहब जो पुराने थे उनका प्रभार खत्म होने के बाद में जब हेल्थ सीएमओ को दिया गया है तो उनसे डिजिटल सिग्नेचर नहीं बन पाए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के जितने बंदर वार्ड अब भद्र पिट अनूपपुर में पिट रही है, अनूपपुर के हर जगह पे, चाहे वो डीजे साहब का बंगला हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे तहसील हो, हर कार्यालय के सामने डंपिंग यार्ड हो गया कचड़े का, बड़ा बड़ा कचड़े का डाल दिया। आपकी गाड़ियां वहां खड़ी हैं, सड़कों पे कचड़े पड़े हुए हैं। आखिर नगर पालिका का क्या डीजल आपको उधारी नहीं मिल पा रही है? डीजल उधारी उसने एक महीने पेमेंट नहीं हो पाया, डीजल 3-4 दिन के लिए बंद कर दिया था। अच्छा। इसलिए ये समस्या। आप कब तक इन समस्याओं का समाधान हो पाएगा? आज हो जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर आज बन के आ जाएंगे, भुगतान हो जाएगा, कल से रूटीन में काम करने लग जाएगा। चलिए देखिए, ये अनूपपुर के जो कर्मचारी है वो एक सीमो दो सीमो प्रभारी सीमो के बदलने से वो स्वयं परेशान है, जिन पर इन स्वच्छता अभियान की जिम्मेदारी है। अब डिजिटल सिग्नेचर नहीं होने से 5 दिन से कचरा गाड़ी बंद है पूरे शहर को। अगर हम ये कहें कि जिस तरह से बेबी को बेस पसंद है, उस तरह अनूपपुर नगर पालिका को कचरा पसंद है। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ अनूपपुर से मैं। अब ये बात सुनने के बाद तो यही लगता है कि शहर में कचरे के लगे ढेर के लिए लोग ही जिम्मेदार हैं और नगर पालिका की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। तो आज हम शहर के कचरे के ढेर में बदलने के लिए जिम्मेदार नगर पालिका की लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आपको बता दें हमारे साथ राम लेखावन राठौर जी जुड़ रहे हैं, निवर्तमान अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के ब्रजेश गौतम साहब जुड़ रहे हैं, जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के विजय उर्मलिया जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगी, हमारे साथ राठौर जी जुड़े हुए हैं, निवर्तमान अध्यक्ष भी हैं आप। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, क्या लगता है जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले नमस्ते मैडम जी। 6 महीने से नगर पालिका अनूपपुर में कोई स्थायी सीएमओ नहीं है, जिसके कारण ना तो डीजल का पेमेंट हो रहा है, ना कर्मचारियों को भुगतान हो पा रहा है सही टाइम से। इसलिए जो है पेट्रोल पंप वाले डीजल देना बंद कर दिए हैं और पूरे शहर में जगह जगह कचरा का डंपिंग यार्ड बन चुका है। आप चाहे जिला मुख्यालय के तहसील के सामने देख लें दोनों तरफ, और चाहे सड़क शहर के मुख्य सड़कों पर। सर, आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही है, आपका दोबारा से मैं रुक करना चाहूंगी। जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ब्रजेश गौतम साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, किसको जिम्मेदार आप मान रहे हैं? बहुत भरोसा जनता आप पर करती है और यही वजह है कि सरकार में आप हैं, उसके बाद आपकी नगर पालिका के तमाम अध्यक्ष ये कह देते हैं कि टैक्स का पैसा नहीं मिल रहा है, कोरोना के बाद लोगों ने टैक्स भरना बंद कर दिया है, इसलिए सफाई नहीं हो पा रही है। ही उससे इनकार नहीं किया जा सकता, कोरोना का प्रभाव केवल अनूपपुर की नगर पालिका में नहीं, पूरे देश के देशवासियों पे पड़ा है।
और ये जो विषय निकल कर आया है कि नगर से कचड़े नहीं उठाए जा रहे, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। प्रशासन की ओर केवल इनका ध्यान दिलाने की आवश्यकता है। नगर पालिका के पास पर्याप्त मशीनरी है, पर्याप्त स्टाफ है और केवल ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इलेक्टेड बॉडी है नहीं। नहीं सर, ध्यान तो दिलाया गया है ना, ध्यान तो दिलाया गया तभी ये पूरा मामला उजागर भी हुआ है, लेकिन अब इसमें हो कुछ नहीं रहा है, जनता परेशान हो रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैडम ये बात निकल कर आई है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर प्रशासन संज्ञान लेगा और हम भी प्रशासन से बात करेंगे और ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसका तत्काल निराकरण हो जाएगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अनूपपुर की जनता को आश्वस्त करता हूँ। लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों का ये कहना कि टैक्स नहीं मिल पा रहा है इसलिए साफ सफाई नहीं हो रही, कोई अल्टरनेटिव तो ढूंढना ही होगा ना, क्या गंदगी में पूरे शहर को ढाल दीजिएगा? टैक्स नहीं मिलना और सफाई का कोई संबंध नहीं है, टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी उनकी है, वो टैक्स वसूलेंगे और सफाई जनहित का काम है। नगर पालिकाएं गठित केवल इसीलिए हुई है कि जनहित के काम करेगी, तो वो तो उनको करना पड़ेगा। और अभी आपके माध्यम से ये ध्यान पे निकल कर आई है, तो आप ये बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि शीघ्र इसमें इसका समाधान होगा और नगर को साफ सुथरा रखा जाएगा, प्राथमिकता है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार विजय उर्मिला जी भी हमारे साथ हैं। विजय जी, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? जिलाध्यक्ष आप तो कह रहे हैं कि आश्वासन भी पूरा दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ संज्ञान में नगर पालिका अध्यक्षों के मामला भी है, लेकिन वो पूरी तरीके से किनारा कर रहे हैं। हैरानी हो रही है, भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं और ये कह रहे हैं कि प्रशासन को अवगत कराया जाएगा अगर ऐसी कोई समस्या, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रदेश सरकार की विधानसभा की सबसे प्रमुख नगर पालिकाओं में से एक है अनूपपुर की नगर। अगर आप जिला मुख्यालय की नगर पालिका की व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं कर सके, पिछले 15 साल से गवर्नमेंट है भाजपा की, 15 महीने आप छोड़ दीजिए, मान लीजिए कांग्रेस ने 15 साल से ना भाजपा की गवर्नमेंट है मध्यप्रदेश में, उसके बाद के अंदर आप जिला मुख्यालय की नगर पालिका है। इससे मैं आपको बता दूं कि अनूपपुर में जितनी भी नगर पालिका है सबसे दुर्गति स्थिति अनूपपुर की नगर पालिका है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अनूपपुर जिले के सबसे जो व्यस्ततम नगर पालिकाओं में से जिला मुख्यालय की नगर पालिका है, अगर वो नगर पालिका दुर्गति स्थिति गुजर रही है, प्रदेश सरकार में इस विधानसभा से मंत्री हैं और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशासन को आरोप प्रत्यारोप मार रहे हैं कि प्रशासन देखेगा ये व्यवस्थाएं हो जाएगी, ऐसा संभव? आप क्या कर रहे हैं? आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके मंत्री हैं, आपकी सरकार है, आखिर कब इस नगर पालिका की इन समस्याओं से यहाँ के लोगों को निजात मिलेगी? आपको जानकर हैरानी हो कि अनूपपुर जिला मुख्यालय में 80% ऐसे लोग रहते हैं जहाँ लोगों के घरों तक सड़क नहीं है, मुख्यालय की बात मैं कर रहा हूँ। अब आपको अंदाजा लगाइए कि प्रदेश में 15 साल से इनकी सरकार है और अभी ये व्यवस्था दुरुस्त करने की बात अगर 15 साल में नगर पालिका की कर रहे हैं, तो अंदाजा लगाइए आप क्या काम हो रहा है। बिल्कुल अपने आप में सोचने का विषय है ब्रजेश जी, कि आपके संज्ञान में आप ही के क्षेत्र का मामला नहीं होता है, आपकी सरकार है प्रदेश में, ये कैसे संभव है? ये काम तो आपका भी बनता है ना कि किस क्षेत्र में कितनी परेशानी है, जनता को समस्याएं क्या है। जब तक न्यूज चैनल उस मुद्दे को नहीं उठाएंगे तब तक आपके संज्ञान में मामला नहीं आएगा और उसके बाद कार्रवाई होगी। नहीं, मैं बता रहा हूँ मैडम, जैसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार है विजय बलिया जी, अब इन्होंने कहा 80% लोगों के घरों तक सड़क नहीं है, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ। अनूपपुर के अंदर आदर्श सड़क बनी है, आप अमरकंटक चिराहे से जेतरी जाने वाली सड़क को देखिए, आदर्श से पूरे जिले के अंदर वो सड़क। अब इस प्रकार की सड़क जिला मुख्यालय में बनी है, ऐसे चौड़ी सड़क रोड डिवाइडर के साथ। अब अनूपपुर के साथ समस्या ये है कि जिला मुख्यालय होने के कारण बहुत सारे बाहर के लोग आके जमीनें खरीदते, वो प्लानिंग के तहत नहीं होता, योजना के तहत नहीं होता, और ऐसे उन घरों तक सड़क पहुंचाना ये एक प्रक्रिया का हिस्सा, इसमें समय लगेगा। और ये जो बात निकल कर आई है कि केवल कचड़े नहीं उठाए जा रहे, तो ये और 15 साल से हमारी सरकार है, मैं पूछना चाहता हूँ 15 साल से कचरे नहीं उठाए जा रहे क्या? आज पहली बार ये बात निकल कर आई और मैंने कहा ये बहुत छोटी सी समस्या है। मैं तो इस बात को आश्वस्त कर रहा हूँ कि अभी ये बात ध्यान पे आई कि कहीं कचरा कलेक्ट नहीं किया होगा तो वो तत्काल कलेक्ट कर लिया जाएगा, तत्काल इस समस्या का समाधान हो जाएगा। ये इतनी बड़ी समस्या ही नहीं है, नगर पालिका का ट्रैक्टर जाएगा, कर्मचारी जाएंगे, कचरा भर के फेंक देंगे, इतना सा दुकान है केवल उस पर। अब ये बात हम करने वाले हैं अभी आपके न्यूज चैनल के तत्काल बाद। मंत्री जी, आप उसको देख लीजिए,
आपको समझ में आ जाएगा क्या जानकारी आपकी है। मैं आपको बता रहा हूँ, झूला झूलना पड़ता है, कागज पुराने के लिए झूला झूलना पड़ता है। नर्सिंग कॉलेज का 100 की सौगात मिली, अनूपपुर में 200 बिस्तर का हॉस्पिटल बन रहा है, अनूपपुर में फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है, अनूपपुर को आदर्श जिला मुख्यालय बनाने की योजना है भाजपा सरकार की, और मंत्री जी लगातार इसके लिए प्रयत्नशील है। केवल और केवल केवल कचरा उठाने का इशू है तो इसका तत्काल समाधान होगा, आप आश्वस्त रहिए। बाकी अनूपपुर के विकास में कोई कमी नहीं। ठीक है राठौर साहब, आपसे जानना चाहेंगे किसको जिम्मेदार आप मान रहे हैं, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि प्रशासन अगर इस तरीके की गड़बड़ियां कुछ कर रहा है तो उसको ठीक किया जाएगा, जनता कह रही है आप इसे ठीक कीजिए, आप एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस नगर पालिका की तरफ से दिए जा रहे हैं, जिम्मेदार आखिर में कौन है? अगर टैक्स भी नहीं मिल रहा है तो इसमें जनता क्या करे? वो तो नहीं ना जाएंगे एक एक के पास टैक्स कलेक्ट करने के लिए, कुछ ऑल्टरनेटिव निकालना तो नगर पालिका की ही जिम्मेदारी है ना। मैडम टैक्स कोई इशू नहीं है, टैक्स सब दे रहे हैं, और मैं आपको 2 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ, जब मैं नगर पालिका का अध्यक्ष हुआ करता था, यही नगर पालिका इतना साफ सुथरा हुआ और हमको संभाग में पहला स्थान का दर्जा भी दिया गया था, हम अवार्ड दिया गया था माननीय मंत्री जी महाराज सिंह जी के द्वारा हमको अवार्ड दिया गया था, सरकार थी मध्य प्रदेश में, लेकिन बीजेपी की सरकार थी, बिल्कुल एकदम बिल्कुल बोले हैं, सरकार नहीं दिया था, इसके बाद भी हम पहले नंबर पे आए थे, और आज देखिए 6 महीने से क्या हाल है नगर पालिका का। अरे हम कहते हैं चुनाव ही करवा देते, कम से कम जनप्रतिनिधि रहता काम करवाते, जमीनी हकीकत को अधिकारी लोग नहीं जानते हैं। चुनाव भी हो जाएगा, पंचायतों के चुनाव घोषित हो गए हैं, नगर पालिकाओं के भी हो जाएंगे, प्रक्रिया है होनी है, वो कौन सा रुकने वाला थोड़ी है। अरे तो सफाई तो बेसिक चीज है ना, नगर पालिका का मूलभूत काम है सफाई, बिजली और पानी की व्यवस्था करना, इसके बाद जब फंड हो तो निर्माण करें। नहीं नहीं हम आपको बता दें कि इसके पिछले 2 साल से कई निर्माण कार्य रुके हुए हैं, काम नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरी किस्त नहीं जा रहा है, हम 300 लोगों को पहला किस्त दे के आए थे 1.5 साल पहले, आज तक दूसरा किस्त नहीं मिल पाया, वो लोग बेचारे 50 के तादाद में किराए के मकान पर रहने के लिए मजबूर हैं। इस तरह के मुख्यमंत्री अधोसंरचना के सेकंड फेज का जो काम है एक भी नहीं हो रहा है, रुका हुआ है, इसके लिए कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ही जिम्मेदार होगी, आपकी सरकार है, आप लोग पहल करिए। अधोसंरचना के काम, नगर पालिका भवन बन रहा है 75 लाख रुपए का, वहाँ पर मुक्ति धाम बन रहा है 75 लाख रुपए का, भूमि पूजन हो गए, पैसा मुक्ति धाम हम बनवा चुके हैं, मुक्ति धाम हम बनवा चुके हैं गौतम जी, मुक्ति धाम सुव्यवस्थित बन चुका है, कार्यालय से ज्यादा जरूरी है लोगों को सुविधा देना, सफाई व्यवस्था देना, सड़क बनाना, जो पहले से टेंडर पास है उनमें तो काम हो जाए, बाद में जब होगा वो तो लिखा जाएगा। सारे काम हो रहे हैं, सब होंगे, कोई काम नहीं हो रहा है, पिछले 1.5 साल से बंद है काम। अध्यक्ष जी एक चीज जानना चाहते, आखिर अनूपपुर जिले को बस स्टैंड से आपको नहीं मिल जाता है, बीचों बीच भाई 10 का बस स्टैंड बना है जिससे लोगों को, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आवाज क्लियर नहीं है आपकी। बस स्टैंड अनूपपुर का है, आज अनूपपुर के लिए सबसे गंभीर बना हुआ है, आए दिन वहां जाम लगता है, व्यवस्था है नहीं, अनूपपुर को बस स्टैंड सब जिला है। नहीं आप देखिए, आप ये बताइए सोन नदी से लेके साबतपुर मंदिर तक एक आदर्श सड़क बनाई गई, अमरकंटक तिराहे से लेके जेतरी तक एक आइडियल सड़क बनाया गया, नगरपालिका नवीन नगरपालिका भवन के निर्माण का कार्य आरंभ है, मुक्ति धाम के निर्माण का कार्य आरंभ है, नया वाटर फिल्टर बना के और घर घर पानी पहुंचाने का काम चालू है, इतने सारे विकास के काम है जो हमारी सरकार ने किया है। और रही बात बस स्टैंड की, उसमें आम सहमति के आधार पर जैसे ही स्थान तय हो जाएगा बस स्टैंड का भी काम। फिलहाल जो करंट की परेशानी है वो ये है कि साफ सफाई नहीं हो रही है, और लोग कई बार इसको लेकर शिकायत करवा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके इसका हल नहीं निकला, और यही वजह कि आज हमने इस मामले को बड़ी प्रमुखता से उठाया है। उम्मीद है जैसा कि ब्रजेश गौतम साहब ने आश्वासन दिया है उसी के मद्देनजर काम भी उतनी ही तेजी से यहाँ पर शुरू हो। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।